तुम 85 लोग बुला पाओ। चले बच्चों, BSc पार्ट 2, आज लेसन 4th है, यूनिट 4th, EM वेव की पढ़ाने जा रहे हैं। आज आपकी ये सेकंड पेपर का हम एंड करने में लगे हैं और ये पूरा मैटर कल हम PDF नहीं कर पाए थे, आज हम इसका PDF करेंगे आपको, आज PDF आपको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेसन 4th है, वहाँ ना पंखा चलाओ, ऊपर चलाओ, अभी रुक जाओ, डायरी ले लो, फोन करो, कह दो विजयनगर वालों, कह दो मिलना हो तो आज शाम को मिलना, छोटा रुक जाएगी ऊपर है, छोटा वाला फोन चार्ज कर लो पहले, एक नंदिनी सर से नंदिनी स्वाध्याय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एचवी एनर्जी है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक वेक्टर और जेड एक्सिस के अलोंग एचवी एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक वेक्टर, जेड एक्सिस के अलोंग एच न्यू एनर्जी, ये माना गया है। ठीक है, ये माना गया है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस या एयर और वैक्यूम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। पहला, फ्री स्पेस में करंट डेंसिटी 0 है, फ्री स्पेस में या एयर और वैक्यूम में करंट डेंसिटी 0 है, करंट डेंसिटी 0 लर्न कर लीजिए, फ्री स्पेस के केस में करंट डेंसिटी 0 है, पोलराइजेशन वेक्टर 0 है, पोलराइजेशन वेक्टर 0 है और चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी रो आपका 0 है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब फ्री स्पेस में होती है या एयर और वैक्यूम में होती है तो करंट डेंसिटी 0, पोलराइजेशन वेक्टर 0 और चार्ज डेंसिटी 0, म्यू नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट परमिबिलिटी है फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस, परमिटिविटी है
ऑफ फ्री स्पेस। ये जो बता रहे हैं पॉइंट्स, इनसे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस स्थिति में जो टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस ई होगी, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस ई होगी।
डेल डॉट ई बराबर जीरो, डेल डॉट बी बराबर जीरो, बी का मान रख दिया म्यू नॉट एच, म्यू नॉट बाहर निकाला तो डेल डॉट एच बराबर जीरो, ये सेकेंड रिलेशन। डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डीवर बी अपॉन डीवर टी, तो डेल क्रॉस ई माइनस में डीवर अपॉन डीवर टी, म्यू नॉट एच बाहर किया, डेल क्रॉस ई बराबर म्यू नॉट डीवर एच अपॉन डीवर टी, ये आपका हो गया मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन। मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, थर्ड रिलेशन। अब देखिए मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन, डेल क्रॉस एच बराबर J प्लस डेवर डी अपॉन डेवर डी, डेल क्रॉस एच बराबर J प्लस डेवर डी अपॉन डेवर डी, ये मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन।
करंट डेंसिटी जीरो है तो डेल क्रॉस एच जे जीरो डीवर अपॉन डीवर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ गया डेल क्रॉस एच एप्सिलॉन नॉट डीवर पी अपॉन डीवर पी। ये मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन हो गया, ये मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन हो गया। अब आइए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशियल फॉर्म है डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू नॉट, डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ये है आपका रिलेशन डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर। डेल स्क्वायर एच बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर एच अपॉन डेवर टी स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर एच वाला रिलेशन डेल स्क्वायर एच बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेवर स्क्वायर एच डेवर टी स्क्वायर। ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। तो आपके ये डिफरेंशियल, अब इसकी कंपेयरिंग करिए जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करिए। डेल स्क्वायर वाई बराबर डेल स्क्वायर वाई बराबर वन अपॉन बी स्क्वायर डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर स्क्वायर। डेल स्क्वायर वाई बराबर वन अपॉन बी स्क्वायर डेवर स्क्वायर वाई अपॉन डेवर स्क्वायर। इसकी वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है, वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन, वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। या बी बराबर वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। ये वेलोसिटी हो गई ईएम वेव की एयर और वैक्यूम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। ये वेलोसिटी है ईएम वेव की एयर और वैक्यूम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो वी बराबर वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट की वैल्यू लिखो 4π10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखिए 8.86 और ये वैल्यू आती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर है। तो ईएम वेव की वेलोसिटी
लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ईएम वेव की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम वी की वैल्यू किसके बराबर है? लाइट की वेलोसिटी के। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग के बराबर है। अब आइए पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये देखिए आप बता दें पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, प्रोपगेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इक्वल टू द पॉइंटिंग वेक्टर, इज इक्वल टू द पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इक्वल टू द पॉइंटिंग वेक्टर। एनर्जी के फ्लो का रेट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड आपको क्या देता है? पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू है P बराबर E क्रॉस H, P की वैल्यू है E क्रॉस H। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई एक्स एक्सिस के अलोंग में तो आई कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एच जेड एक्सिस के अलोंग में, वाई एक्सिस के अलोंग में तो जे कैप एच वाई, जे कैप एच वाई, एच वाई, तो पी बराबर आई कैप पी एक्स क्रॉस जे कैप एच वाई। तो ये पी आपका आ गया के कैप ई एक्स इंटू एच वाई, ई एक्स इंटू एच वाई। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में ले लिया तो पी बराबर ई एक्स एच वाई, पॉइंटिंग वेक्टर P बराबर ई एक्स एच वाई, पी बराबर ई एक्स एच वाई, ये पॉइंटिंग वेक्टर हो गया। हेलो, हाँ मैडम, हम अतर सिंह कैलाश कुमारी विधि महाविद्यालय से बोल रहे हैं। हाँ तो मैडम वो जानना चाह रहे थे टीचर अपॉइंटमेंट,
आवाज आने लगी। अब फोन एक मिनट जरा, अब तुम फोन लिए जाओ, डायरी क्या होगा बात कर रहे। अब पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज है, पॉइंटिंग थ्योरम हाँ वो सुधीर पांडे को कह दिया कि मैडम आ जाए सब घंटे हाँ तो मैडम अभी आई नहीं ठीक है, तो हम इंतजार कर रहे हैं उसका फोन आ जाए ठीक।
देखिए पॉइंटिंग थ्योरम आपको बता दें, पॉइंटिंग थ्योरम है आपकी सरफेस इंटीग्रल ऑफ PDS माइनस में DU/DT, सरफेस इंटीग्रल ऑफ PDS बराबर माइनस में DU/DT, सरफेस इंटीग्रल ऑफ PDS माइनस में DU/DT। तो ये U जो है इनर्जी है EM वेव की, एनर्जी ऑफ EM वेव, एनर्जी ऑफ EM वेव, U जो है एनर्जी है EM वेव की, ये एनर्जी है EM वेव की। अब देखिए पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए पॉइंटिंग थ्योरम, P बराबर C epsilon naught EX square, या P बराबर C epsilon naught HY square, या P बराबर C epsilon naught HY square। ये अब जब आप एवरेज लोगे तो हाफ लगा दोगे, एवरेज के लिए पी एवरेज की वैल्यू आप हाफ C epsilon naught EX square, पी एवरेज की वैल्यू हाफ C epsilon naught HY square, C epsilon naught HY square। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम या आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम और आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम या आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम या आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इसमें भी करंट डेंसिटी जीरो है, पोलराइजेशन वेक्टर जीरो है और चार्ज डेंसिटी जीरो है। तो आपको याद रखना है कि करंट डेंसिटी जीरो, पोलराइजेशन वेक्टर जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम में चार्ज डेंसिटी जीरो है, पोलराइजेशन वेक्टर जीरो है, करंट डेंसिटी जीरो है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर म्यू परमेबिलिटी है,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। इनमें ये तीन लोगों को कह दो ये कि आप लोगों को हमने नए बैच में ऐड कर दिया है, अभी क्लास चल रही है, पर आपने न रजिस्ट्रेशन कराया न फीस जमा करी। कब फीस जमा करोगे पूछ लेना, ठीक है? चार लोगों को, ठीक है? ये चार हो गए तो इनको, चार को इधर से उठा कर दोगे तो इनको फ़ोन, इसको फ़ोन नहीं करना, वहाँ कर लोगे। प्रतीक्षा को फ़ोन करना, क्लास शुरू हो गई, अलका मिश्रा से फिर करो आज, ठीक है? श्वेता सिंह जो तस्मीन से कहो कि क्लास लो, आशुतोष यादव से कहो क्लास लो, नहीं तो कह दो फिर छूट जाएगा, फिर कहोगे। रंजन कुमार से कहो, पूजा सरोज से कहो, अर्जिता को नहीं करना है, नहीं मोहित का हो गया, अतिशा मतलब हम निशान लगा रहे बस उन्हीं करना है। विनय कहो एमएससी फाइनल क्लास शुरू हो गई, विशाल को नहीं करना, नेहा भदौरिया कहो रजिस्ट्रेशन कराओ, फीस जमा करो, क्लास ज्वाइन करो। दिव्यांशी त्रिपाठी को कहो, पूजा को नहीं करना, स्वाति कश्यप को नहीं करना, ठीक है? अंकित सिंह को कर दो, सुरभि को कर दो, सुमित सिंह राठौर को कर दो, अमृता को कर दो, क्षितिज को कर दो, आकांक्षा अवस्थी कर दो। तो जो निशान लगे वो कर देना, और चार उनको इधर, चार खो ना जाए इसका निशान। जुकाम हो गया का, काढ़ा पिला दे, रुक जा रुक जा। अभी था कहाँ चला गया, पहले ये करना है, मोड़ दे रहे हैं फिर तुम, फिर तुम ये करना है, पहले ये कर दो ये। अब देखिए ये पेन पेन, अब यहाँ पर एप्साइलन परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम म्यू, परमेबिलिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम परमेबिलिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडियम।